दोस्तों, जो बांग्लादेश बीते कुछ दिनों से शांत बैठा हुआ था, वही फिर से अपने ही गलतियों के कारण अब परेशानी में आ गया है और अब उससे रहा नहीं गया तो उसने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है और इनके द्वारा भारत पर दोबारा से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में कुछ दिन पहले बांग्लादेश का भारत से पंगा लेने का अंजाम साफ साफ दिखाई दे रहा था और बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी वह इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल चुकी थी, क्योंकि बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर को माना जाता है, इसी सेक्टर में जो गारमेंट्स वर्कर होते हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया था जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। और बांग्लादेश के गारमेंट्स वर्कर्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट इसलिए शुरू किया क्योंकि वहां की 700 से 1000 तक गारमेंट्स फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर के खिलाफ जो वर्कर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है उसके पीछे किसी तीसरे का हाथ बताया जा रहा है। और यदि इस रिपोर्ट में और नीचे देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि इसका जो आरोप है वह किसी और पर नहीं बल्कि पड़ोसी देश भारत पर लगाया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के द्वारा जो इसके पीछे का कारण भारत को दिया जा रहा है, इससे हम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही वर्तमान में अभी बांग्लादेश देश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से भारत के प्रति इनका विरोध ही देखने को मिल रहा है और इनका बस केवल एक ही फंडा रह गया है कि यदि कोई भी घटना बांग्लादेश में घटित होती है तो उसका सीधा आरोप भारत पर लगा दिया जाए। क्योंकि पिछले महीने जब बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आई थी और कई गांव डूब गए तो उसका झूठा आरोप भी इन्होंने भारत पर लगाया था। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि भारत के त्रिपुरा से होकर जो बांग्लादेश के रास्ते नदी गुजरती है उसके किसी बांध को बिना बताए भारत ने खोल दिया है जिसके कारण बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आ गई है। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तब यह बात मालूम हुई कि भारत ने किसी भी प्रकार के ऐसे बांध को नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश डूब गया है, बल्कि अधिक वर्षा होने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई थी। फिलहाल इसके बाद पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश भारत के खिलाफ शांत था क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में पीएम मोदी जी मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले तो इन्हें यह बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि अगर यह भारत के खिलाफ और ज्यादा जाते हैं तो भारत इसी तरीके से बांग्लादेश को अनदेखा कर सकता है और जिस तरीके से लोग डिमांड कर रहे हैं उससे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी भारत पूरी तरीके से बंद कर सकता है। इसके बाद उनके यहाँ उपयोगी सामानों की काफी ज्यादा कमी पड़ जाएगी और यह चाहकर भी दूसरे देश से मदद नहीं मांग पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ है। लेकिन शायद भारत के खिलाफ चुप रहना बांग्लादेश से यह बात पच नहीं रही थी, इसीलिए भारत के खिलाफ जहर उगलकर इन्होंने भारत पर झूठे फरे आरोप लगाना फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में पिछले हफ्ते बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला और यह कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था बल्कि यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की सभी गारमेंट्स वर्कर्स ने एक साथ इकट्ठा होकर शुरू किया था जिसके कारण 3-4 दिनों तक लगातार कई किलोमीटर की दूरी तक सड़कें पूरी तरीके से जाम रहीं। बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर का कहना था कि उनके देश में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिसे बंद हुए महीनों बीत रहे हैं और उन्हें कंपनी से बाहर भी निकाल दिया गया है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि इन सभी वर्कर्स को पिछले कुछ महीनों की बकाया सैलरी अभी तक नहीं मिली। कंपनी ने आश्वासन दिया कि सितंबर महीने की 31 तारीख तक इनका पूरा बकाया पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जब कंपनियों के मालिकों ने ऐसा नहीं किया तो बांग्लादेश की आसमान छूती महंगाई में इनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए सभी वर्कर्स ने मिलकर फैक्ट्री और सरकार के खिलाफ एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की एसोसिएशंस है जो कि इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती है, उनके द्वारा गारमेंट्स वर्कर ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके लिए डायरेक्ट भारत को टारगेट किया जा रहा है और इनका कहना है कि जो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ यह सब भारत ने जानबूझकर करवाया था। और रिपोर्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नेक्सस ग्रुप, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रशीद है,
इन्होंने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि जो लोग नेबरिंग कंट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग हैं जिनके द्वारा हमारी कंट्री में गारमेंट वर्कर के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि उनके द्वारा सीधे तौर पर भारत पर ही आरोप क्यों लगाया जा रहा है? क्या बांग्लादेश के सभी लोग भारत विरोध में इतने पागल हो गए हैं कि जो कुछ भी गलत हो उसका सीधा इल्जाम भारत पर लगाया जाए? तो इसके लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश की स्थितियां इसीलिए बिगड़ी क्योंकि इन्होंने भारत का विरोध करना शुरू किया। लेकिन जब बांग्लादेश की कई फैक्ट्रीज में ताला लग चुका है और उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वह भारत के साथ जुड़ रहे हैं और भारत का टेक्सटाइल और बने बनाए गारमेंट्स का एक्सपोर्ट इतनी तेजी के साथ दुनिया भर में बढ़ रहा है कि रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा और केवल अगले 4 सालों में यानी कि 2030 तक इसमें इतनी तेजी के साथ उछाल आएगा कि यह 350 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी। और यह संभव इसलिए है क्योंकि गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भारत के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसमें बांग्लादेश की मिट्टी में मिलती टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच ही जो बड़े बड़े गारमेंट्स वाले ब्रांड है वह लखनऊ हरदोई वाले रोड के पास जो टेक्सटाइल पार्क है उसमें अपनी यूनिट सेट करने जा रहे हैं जिसके लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इतनी तेजी के साथ ग्रोथ होने का खुलासा जब एक्सपर्ट ने किया है तो यह बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है कि जो बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत से आगे था लेकिन वह खुद की गलतियों के कारण भारत से पीछे जा रहा है। इसके लिए बस इनका एक ही फंडा रह गया है कि इनके देश में जो कुछ भी गलत हो उसका आरोपी भारत को ठहरा दो। वैसे तो भले ही इन्होंने वर्कर प्रोटेस्ट के पीछे भारत को दोषी ठहराया लेकिन दुनिया इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही। इसका अंदाजा आप इसी रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बांग्लादेश से यह बात कही है कि तुमको अपने लेबर कानून को चेंज करने चाहिए। और बांग्लादेश में जो अस्थिरता रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा देखने को मिल रही है उसका मेन रीजन यही है, यानी कि बांग्लादेश भारत को फंसाने के लिए कितना भी पैर क्यों ना मारे दुनिया को बांग्लादेश की हकीकत मालूम चल चुकी है और अब तो सूरज भी पश्चिम से निकलना शुरू हो गया है क्योंकि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस से सीधे तौर पर कह दिया है कि हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल भारत को आपदा के बीच टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अवसर मिल गया है, उसके लिए भारत को बधाई जरूर दें। और अंत में जाते जाते कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत।